और अब बात करते हैं बिहार के गया जिले की, जहां सौंधी गांव के लोग बेहाल हैं, लेकिन पुलिस हाथ पे हाथ धरे बैठी है। 7 दिन से गायब दीवांशु राज का कोई सुराग पुलिस को अब तक हाथ नहीं लगा है। मां लोमा कुमारी ने बिलखते हुए मीडिया को बताया कि अभी उनके बेटे की कोई सूचना नहीं मिली है और पुलिस पोस्टर चिपका कर निश्चिंत हो गई है, तो वहीं पूरे परिवार के साथ गाँव वाले भी परेशान हैं। विगत 22 अगस्त से बॉयज कोचिंग सेंटर से घर वापसी में रास्ते से गायब हो गया था। दीवांशु राज 10वीं का छात्र अपने बॉयज कोचिंग सेंटर मानपुर पटवा टोली से शाम लगभग 6 बजे ट्यूशन पढ़कर वापस घर साइकिल से लौट रहा था। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कुकरा देवी स्थान तक दिखाई पड़ रही है कि उसके बाद उसे धरती निगल गई या आसमान उड़ा ले गई, कुछ पता नहीं लग रहा है। अब गया लाइन एंड ऑर्डर पे सवाल आखिरी पुलिस क्या करती है, जो एक खोए बच्चे को ढूंढ नहीं पा रही है तो क्राइम कंट्रोल कैसे करेगी। गया शहर का वहीं बीते माह पत्रकार राजू पटवा का मोबाइल छंतनई मामले में पुलिस के हाथ खाली हैं। चाहते हैं कि हमने अपने तरफ से खोज लिया, प्रशासन को भी हमने खबर कर दी, लेकिन प्रशासन की तरफ से भी हमें कोई अथी नहीं मिल रहा है। अब मेरे बच्चे के लिए सीबीआई जांच दिया जाए कि ताकि मेरा बच्चा जहां कहीं भी हो उसे लाया जाए। प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, खोज भी नहीं कर रही है। खोज कर रही है लेकिन उनके तरफ से भी मेरे तरफ कोई आशा नहीं, निराशा ही हाथ लग रहा है। किसी तरह से कोई आशा जगना चाहिए था, लेकिन किसी तरह से आज 6 दिन हो गया। जिस दिन मेरा बच्चा भुलाया उसी दिन हम उनको इन्फॉर्म किए हैं, लेकिन फिर भी आज तक किसी तरह से कोई इन्फॉर्मेशन कुछ भी नहीं मिला है। सोमवार को 2:30 बजे घर से बाहर निकला है ट्यूशन के लिए, वह बच्चा ट्यूशन गया है। कहाँ पढ़ता था ट्यूशन? बॉयज कोचिंग सेंटर में बच्चा पढ़ता था। अच्छा, वहाँ ट्यूशन गया है। अच्छा, साथ में जाने के क्रम में वह बोला कि माँ हमें प्रसाद दे दीजिए, हम अपने टीचर को देंगे। तो प्रसाद लेके घर से निकला है, कोचिंग पहुँचा है, सर को प्रसाद भी दिया है, उसका उस दिन टेस्ट था, वह टेस्ट भी दिया है। टेस्ट देने के बाद वह घर की ओर रिटर्न हो गया है। कहाँ से वो तीर्थ करके आया था, कहाँ से घूम के आया था, प्रसाद वितरण करने गया था? सबसे पहले हम लोग वैष्णो देवी गए थे। अच्छा, उसके बाद हम लोग शिमला गए थे। शिमला जाने के बाद हम लोग फिर दिल्ली आए हैं, दिल्ली के बाद मथुरा आए हैं, मथुरा के बाद आगरा आए हैं, आगरा के बाद हम लोग 19 तारीख को रात में ट्रेन पकड़ के 20 तारीख को हम लोग 8:30 बजे गया उतर गए। तो थाना में सूचना दिए हैं? थाना में हम उसी दिन सूचना दे दिए। अच्छा, 22 तारीख को। अभी तक कोई खबर, कोई फोन उन भी आया है? अभी तक किसी तरह का कोई खबर नहीं, किसी तरह का कोई फोन नहीं, किसी तरह का कोई डिमांड नहीं है। किसी पे कोई सा शक जिसे लगता हो कि मतलब? नहीं, ऐसा कोई शक किसी पर नहीं है। क्यों पढ़ने के लिए? अच्छा, साहित्य के लिए पढ़ाई भी। अच्छा, वहाँ से लौट रहा था 4 बजे। 4 बजे लौटने के बाद बीच में घटना हो गया। वहाँ तक टुकड़ा तक मालूम होता है कि आया, इसके बाद पता नहीं चलता गाँव में। कई दिन बीत गया? आज बीत गया, सोमवार के हुआ, आज शूट हो गया। क्या हुआ है इसके लिए? जहाँ पर पढ़ने के लिए गया था सारा चीज वहाँ देखा गया है। कॉलेज से निकलना, अपना ट्यूशन से घर से निकला है, यहाँ कुकरा पुल तक दिखाई दे रहा है। 22 के घटना है, प्रेस को पुलिसी का मामला दर्ज हुआ है। पुलिस कार्रवाई करे जहाँ तहाँ पर उनका ऑब्जेक्ट है। ये पोस्टर, यही पोस्टर है उनके बारे में। ये रेल मार्ग जहाँ पर बस स्टैंड जो भी हो जहाँ तहाँ चिपकाया गया है पूर्ण रूप से, और प्रयास किया जा रहा है रिकवरी के लिए, बरामदगी के लिए। अभी ऐसा कोई अपहरण का कुछ सूत्र होता तो कुछ न कुछ तो खबर आता, कोई सुराग नहीं था। अभी तक कोई सूत्र नहीं मिला है ना? कोई सूत्र लगते ही अगर ऐसा कुछ मामला होता तो कोई टेलीफोन होता। उनके माता पिता बोल रहे कि 6 दिन बीत गया अभी तक नहीं आया मेरे बेटा। यही है, मिले सूत्र मिलेगा तो मिल जाएगा। पुलिस तो प्रयास कर रही है अपना।